इस वक्त की बड़ी खबर पांच के पंच में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर महबूबा मुफ्ती का जिक्र करें तो महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया और महबूबा ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया। महबूबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और महबूबा कहती हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हक छीना जा रहा है। मोदी साहब जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हक छीन रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है और महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं और महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फर्क किया जा रहा है। ये हम नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया और केंद्र सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया और पीएम मोदी को निशाने पर लिया गया। यानी महबूबा मुफ्ती ने कोई मौका नहीं छोड़ा। महबूबा मुफ्ती एक तकरीर करने गई थी इस कोरोना काल के बीच, लेकिन उस तकरीर के बीच महबूबा मुफ्ती ने बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द उपयोग किया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों में फर्क करते हैं और खासकर नौजवानों से उनका हक छीना जा रहा है। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा, आप उनकी जुबानी सुनिए। तो आपने भी सीजर के लिए बातचीत नहीं की क्या? तो ना अभी तो मैं देख रही थी मोदी जी वहां आसाम में कह रहे थे ये जो मिलिटेंट है ये हमारे बच्चे हैं जिनको वापस आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा तरीका क्यों? अगर आसाम के मिलिटेंटों को आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, छोड़ दो, अगर बोरा के साथ बातचीत हो रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों तकलीफ होती है? जम्मू कश्मीर में क्यों बार बार मारदार जेल और उसके बगैर कोई और चारा नहीं है? ये चीज चाइनीज श्रीनगर वाकई जेल में सैकड़ों नौजवान जो मुल्क के जेलों में है जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके उनसे मिले, ये इतनी नाइंसाफी कब तक चलेगी? अगर मैं इंटरनेशनल हूँ तो आपने भी कह रही थी। दरअसल महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि नौजवानों का हक छीना जा रहा है और पीएम मोदी पर सीधा सीधा निशाना साधा गया और महबूबा मुफ्ती ने जमकर मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हर तकरीर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता रहा कि नौजवानों को उनका हक दिया जाएगा, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, लेकिन उनका हक छीनने का काम किया जा रहा है।